अस्सलाम वालेकुम, आई एम आबिद। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये मेरा नया चैनल है, पुराने कौन सब्सक्राइब कर दें। CS601 इसकी मैं लेके आया हूँ ग्रैंड को, इसकी तैयारी क्या करनी है। इसमें जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक तो हैंड आउट्स पुराने पढ़ रहे हैं, कोर्स चेंज हो गया 2019 जनवरी में, तो खुदारा खुदारा जो आप हैंड आउट्स देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको हैंड आउट्स भी जो ज़रूरी है। प्लीज़ जो ओल्ड वाले जो आप पढ़ रहे हैं पुराने पेपर पुरानी स्लाइड्स, और प्लीज़ बंद कर दें। मैंने अभी आज एक स्टूडेंट की बंद करवाई है, डिलीट करवाई है कि नहीं है, नया कोर्स है। ये देखें फॉल 2019 में कोर्स चेंज हो गया है, आप लोग पुराने हैंड आउट्स पढ़ रहे हैं, कोर्स चेंज हो चुका है। सबसे पहले इस चीज़ को शोर करें, आप लोग पुराने हैंड आउट्स पुराने MCQ पास्ट पेपर से तैयारी कर रहे हैं, एक भी कोई चीज़ नहीं आनी उसमें से, सारा चेंज है। कोर्स बिल्कुल चेंज है। CS601 आप लोग नए हैं, आप लोग फर्स्ट टाइम पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अल्लाह का वास्ता है, जो कोर्स जो पुराने हैंड आउट्स और डाउनलोड करके बैठे हैं वो गलत हैं। आप लोगों को मैं बताता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है, vulms.edu.pk/library, library.asp, यहाँ पर आप जाके लॉग इन करें और यहाँ पे कोड लिखें, सर्च बाय कोड CS601, तब इसके ये वाली चीज़ खुलेंगी। इसमें जाके आप ऑल स्लाइड्स पे क्लिक करें, डाउनलोड कर लें, 85 MB की हैं। कोर्स कैलेंडर क्या है, हैंड आउट्स क्या है, कितना आने हैं, मैं आपको अभी बता दूं। टॉपिक नंबर, आप जो हैंड आउट्स आप खोल के बैठे हैं उसमें तो टॉपिक है ही नहीं। टॉपिक आपके आने हैं DC डाटा कम्युनिकेशन Chapter 8, टॉपिक 114 से 123, मतलब यहाँ से आपको कोर्स ने स्टार्ट होना है। ये जो है पहले से लेके जो है वो एक जगह से मुझे देखने दें, Chapter 1 से, ये Chapter 1 है, Chapter 1, ये 16 है, ये है जी Chapter 1, Chapter 1 से लेके 17 तक, फिर 18 से लेके 28 तक। इसके वीडियो लेक्चर भी नए आए हुए हैं, आप पुराने वीडियो लेक्चर सुनते हैं, पुराने ही देख रहे हैं, पुराने ही लोगों से लिए हुए हैं। आप लोगों ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया हुआ है, शुक्र करें कि आज नोट हो गया। आप लोग काइंडली नए कोर्स पे मूव कर जाएं, नए कोर्स की स्लाइड्स डाउनलोड करें। इस पे मैं इतनी ज़्यादा तनबीह कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग अभी ज़ीरो पर खड़े हो, आपको पता ही नहीं कि कोर्स नया है, आप पुराने हैंड आउट्स पुरानी स्लाइड पुरानी वीडियोज देख रहे हो जिसमें से टका भी नहीं आना, और उसमें आपको इतने बुरे तरीके से आपका एग्ज़ाम होना है, आप सर्च कर रहे होंगे बीच में से कुछ मिलना नहीं है, तो बहुत बुरे तरीके से होने वाला है। तो काइंडली मेरी वीडियो ध्यान से सुने, आगे मैं बताने वाला हूँ बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है। जो ये DC Chapter 1 Topic 1 to 17, ये कवर होते हैं, इसमें 18 to 28, तो आपने चलते 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 यहाँ तक आ जाना है, तो आपका 8 चैप्टर जो है इनमें से आपका क्विज़ आना है, 8 चैप्टर 114 से लेकर टॉपिक नंबर 1 से लेकर 123 तक, ये है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो आप 16 चैप्टर तक जाएंगे, 220 स्लाइड तक, ये फाइनल में आने हैं आपके, मतलब Chapter 9 से। तो इसमें 3 मिसिंग है, 1, 2, 3, लेकिन मैंने तो पूरी ही डाउनलोड की हैं, सारी स्लाइड्स डाउनलोड कर ली हैं ऑल स्लाइड पे क्लिक करके, तो मुझे सारी मिल गई हैं। आप भी ऐसे करें। एक और चीज़ मैंने डाउनलोड करवानी है आप लोगों से, वो चीज़ थी कुछ ये वाली, कोर्स आउटलाइन फॉर डाटा कम्युनिकेशन, ये मैंने डाउनलोड की है, इसको भी गौर से देखें। आपके आपके रोंगटे खड़े हो जाने अभी इस वीडियो को देख के, जो जो देखता जाएगा कि हम कर क्या बैठे हैं अब तक। Chapter 1 में ये टॉपिक हैं, 17 टॉपिक हैं, इंटरनेट हिस्ट्री, इंटरनेट स्विचिंग, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल फिजिकल टोपोलॉजीज, तो ये पहला चैप्टर हो गया। फिर आपने Chapter 2, इसमें प्रोटोकॉल आ गए, TCP/IP, इनकैप्सुलेशन, ये चीज़ें हैं, इनको आपने पढ़ना है। इसके जो पुराने पास्ट पेपर हैं पिछले 2 साल से ही होंगे, यकम जनवरी से 2019 से चेंज हुआ है, तो बहुत कम पास्ट पेपर आपको मिलेंगे, जो मिलेंगे तो वो काफ़ी खस्ता हालत में होंगे कि बहुत कम लोगों ने पेपर दिया और शेयर किया होगा। तो ये जनाबे वाला आप लोगों ने Chapter 1 ये साइड पे देख रहे हैं, 6, 7, 8, यहाँ तक आपने आना है। स्ट्रक्चर ऑफ सर्किट स्विचिंग, इसकी स्लाइड टॉपिक नंबर 123 तक। तो ये मैं आपके सामने आउटलाइन खोल के बैठा हूँ, आप मुझसे फिर पूछेंगे कि ये कहाँ पे है जी कंटेंट लाइब्रेरी,
तो बड़ी सादा सी चीज है, इसको जाके गूगल पे लिख रहे हैं, गूगल में जाएं और वीयू कंटेंट लाइब्रेरी इस तरह करके आप ये देखें लिखा हुआ आगे, इसको यहाँ पे क्लिक करें, आपको सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इस पे आप लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपने किसी भी कोर्स का जो ओरिजिनल इसकी है ना फाइल, CS 101 और CS 601, इनका कोर्स चेंज है, और भी कोर्सेज चेंज होंगे, लेकिन जो जो होंगे मैं बताता जाऊंगा। 601 में बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, आज वो रो रहा था स्टूडेंट। तो ये आपका असल है, आप कह रहे हैं हमने LMS से डाउनलोड किया या यहाँ से डाउनलोड किया वहाँ से किया, गलत है वो आपने कहीं से भी डाउनलोड किया है वो। मैम वो हैंडआउट्स अभी तक इसके हैंडआउट्स बने ही नहीं है PDF फॉर्मेट में जो मेरे पास पहुँचे हों, इसके हैंडआउट्स ये ऑल स्लाइड्स रार फाइल पड़ी हैं, इसको स्लाइड्स को खोलें, ये 8 टोटल चैप्टर 8 हैं, कुल मिला के 123 टॉपिक हैं, इसकी वीडियो भी नहीं है, आप लिख के सर्च करें CS601 टॉपिक, टॉपिक के आगे लिखते हैं 100 टॉपिक, 123 टॉपिक, तो टॉपिक के लिहाज से सर्च होगी, नई वीडियो कुछ कर लें अपना। तो ये जो चीज़ है इस चीज़ को क्लियर कर लें, और उसके बाद अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, मैं नए चैनल पे आ गया हूँ, नए चैनल पे ये लोगो है आबिद फरूख भुट्टा का नाम है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि पुराने चैनल पे यूट्यूब ने एड इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी से बंद कर दी है, तो प्लीज़ चैनल के लिए प्रमोशन करें, लोगों को बताएं जो जो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अब मैं आपको वो कोर्स खोल के दिखा दूं, ये पड़ा हुआ है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं आपको अगर कहूँ कि चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8, इजी भी है कोर्स लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, लास्ट 8 जो है वो काफ़ी मुश्किल चैप्टर है, इसको देख लें, तो इस तरह हैंडआउट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपको रिक्वायर्ड है। चैप्टर नंबर 3 सबसे बड़ा है, 29 to 53, फिर 54 to 60, ये 6 पेजेस का है, टोटल 6 स्लाइड्स हैं इसके अंदर, 61 से 75, ये छोटा सा ही है, 76 से 88, 99 से 100, तो ये थोड़े छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनकी स्लाइड्स को आप कवर कर लेंगे, और अगर आपको चाहिए कि इसको कोई बताने वाला हो तो मैं फिर इसके ऊपर वीडियो बनाने बैठ जाऊं, लेकिन टाइम नहीं है, तो आप काइंडली जो टीचर ने वीडियो दी हुई है वो 5 5 10 10 15 15 5 5 मिनट की वीडियो है, 8 टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 1 टॉपिक नंबर 2, तो 2 3 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं, आप सुन लें वो, लेकिन इस तरह सर्च करें कि जो सर्च करनी है आपने टॉपिक 01, टॉपिक 18, टॉपिक 13, CS601, तो तब आपको होश आएगी। तो ये मैं अब इसको खोल तो नहीं रहा लेकिन आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, मेरे पास एक पूरी 1000 MCQ की फाइल है लेकिन मैं ये शेयर नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि ये ओल्ड कोर्स ही है, CS601 1000 solved MCQ, ये आने ही नहीं है तो मैं आपको कैसे दे दूँ? तो 1000 MCQ में आपको दे के आप लोग इसी में से ढूंढते रहे, आना ही नहीं, वो नया कोर्स है, नई जगह से आएगा, नई स्लाइड, आपका सिर्फ सर्वाइवल का जो चांस है वो स्लाइड्स हैं, तो उन स्लाइड्स को जो मैंने अभी बताई हैं, ये हैंडआउट्स नहीं, ये जो सॉल्व MCQ है इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये पास्ट पेपर से हैं, वो पास्ट कोर्स से हैं, पुराने कोर्स से हैं, इसको पढ़ेंगे MCQ में भी एक दो लगे, एक भी ना लगे, तो आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ी तनबीह है वो सिर्फ सिर्फ यही है, और मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को तंग नहीं करता, टाइम पहले ही थोड़ा है, यहाँ तक आपने इसको तैयार करना है, तो इसका लिंक मैं देता हूँ लाइब्रेरी कंटेंट का, तो आप डायरेक्ट लिंक करके लाइब्रेरी वो सारे स्लाइड्स डाउनलोड कर लें, तो यही कर सकता हूँ, MCQ तो इसके अंदर है, तो जो आपने तैयार करने हैं, अगर मैं बात करूँ तो आप कोशिश करें कि चैप्टर 5 के बाद से सारा, जैसे 4 5 6, तो इस तरह करके ये बनी हुई है, ये स्लाइड का कलर देख लें कि कौन सी है इसके अंदर, बिट एंड बुड रेट, तो ये चीज़ है, डाटा एलिमेंट, आप खुद देखें कि आप इसमें से कैसे MCQ आएंगे, तो काफ़ी ट्रिकी हो जाना है आप लोगों के लिए सीन, कि आप इसके अंदर से लैन वैन के रिलेटेड आएगा, टोपोलॉजीज के रिलेटेड MCQ आएंगे, और प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड आएंगे, कुछ कैलकुलेशंस के रिलेटेड आएंगे, थोड़ा मुश्किल होगा ये क्विज, ये आसान नहीं है क्योंकि इसके पुराने पेपर आपके पास नहीं होंगे, जैसे ही मुझे कोई मिला मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन पुराना कोर्स तो खुदारा छोड़ दें, पुराना कोर्स पढ़ेंगे तो आप मारे जाएंगे, तो इसलिए
ये है आपके सही कोर्स। मैं अगर यही नेकी कर जाऊं आप लोगों के लिए तो काफी है, यही सदका जारिया हो जाना है मेरी तरफ से कि आपको सही कोर्स बता दूं। आप ओल्ड कोर्स पढ़ के पेपर देने बैठ जाएं तो आपके लिए तो मुसीबत से कम वो चीज़ नहीं होनी। और बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेड बटन पर जाकर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू आप सब लोगों का।